हाई गाइज, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग. झेमी इट्स अ गुजर ट्रेडिशनल वे. आई एम लाइक आज भी गुजरात में, नॉट इन प्रॉपर सिटीज बट इन विलेज, वहाँ पर आज भी लोग झेमी को वेयर करते हैं. मैंने ये झेमी अपने तरीके से बनवाई है, मतलब उसमें कलर्स एंड एवरीथिंग. दिस इज़ माई झेमी गाइज, इट इज़ सो कलरफुल एंड आई जस्ट लव इट. ये रहा झेमी का कपड़ा. इसे दिस इज़ काइंड ऑफ आई एम लाइक पोलका डॉट जैसा है. ये ब्लैक और रेड पे बेस है. ये सिल्क का है. एज आई लव, इसमें काफ़ी शाइन एंड ऑल है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस झेमी के कपड़े को गुजराती में काठा कहा जाता है, काठो करके बोलते हैं. ये दो वैरायटी के आते हैं, एक सिल्क बेस होता है और एक कॉटन बेस होता है. मुझे सिल्क की ग्लॉसी चाहिए था इसलिए मैंने सिल्क बेस पे लिया, बट फॉर दैट मैंने एक जुगाड़ किया है सो दैट वो अपनी जगह पे बना रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी वेट कंटेन करता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी, लेस एंड ऑल एवरीथिंग इट कम्स. सो दैट ये अपनी जगह पे मेंटेन रहे, इसलिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ किया है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. ये काठा 9 मीटर का होता है. अब मैं आपको बताती हूँ इस कोर के बारे में. इसे कोर कहा जाता है. जो सारीस पे नॉर्मली हम लेस लगाते हैं, उसी तरह से हम झेमी में कोर लगाते हैं. जो ये रेड कपड़े पे आपको जो दिख रहा है, वो रेड कपड़े को हम कोर कहते हैं गुजराती में. ये रेडीमेड है. इसमें जो आप सितारे जो देख रहे हैं, वो एक्चुअली उसमें नहीं आया था. ये सारे सितारे मेरी मॉम ने अपने हाथों से बनाए हैं सितारे, और उसमें जो कलरफुल ऊपर के जो फर्स्ट धागे दिख रहे हैं, पिंक एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड ऑल, वो सारे मेरे मॉम ने अटैच किए हैं और उसमें वो भरा है. आई मीन लाइक उस पर वर्क किया है वो उसी तरह का. यू कैन सी कि ये काफ़ी 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 अच्छा लगता है. ये नॉर्मली आपको सितारे आई मीन लाइक कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे. ये सितारे को हम गुजराती में खाप कहते हैं. ये अलग अलग साइज़ के खाप आते हैं, बट ये आपको देखना है कि उसमें कौन से साइज़ के खाप बैठेंगे, आपको वही लेना है. अब मैंने कोर के आगे मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने लेसेस लगवाए हैं, दो बॉर्डर बड़े लेसेस के लगवाए हैं एंड एक के बीच में पिंक कलर का दो छोटे छोटे बॉर्डर्स लगवाए हैं. वो आप पे डिपेंड करता है. ये कोर मुझे कुछ 2500 का पड़ा था. अब मैं आपको ये क्रोशिया वर्क के बारे में बताती हूँ. गुजराती में इसे गंथेलू बोलते हैं. आई मीन लाइक इसमें भी ये क्रोशिया वर्क, गंथेले में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं. ये मैंने दो ऊपर एंड नीचे दो स्टाइल की वैरायटी वाला बनवाया है. ये मुझे मेरी आंटी ने बना कर दिया है. ये इसे काटो और कोंगरो बोलते हैं. इसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी के बहुत अलग अलग नाम होते हैं. मैंने इस कोर को रेड बेस पे बनवाया है. आप चाहते हो तो इसके बहुत अलग अलग कलर्स पे आप बनवा सकते हैं. येलो होता है, इवन शायद ग्रीन होता है, एक वाइट होता है, बट लिमिटेड कलर्स हैं, बट स्टिल दे ऑल लुक वेरी 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 प्रिटी. एंड जितना हो सके आप कोर के और क्रोशिया वर्क के कलर्स को सिमिलर रखिएगा, उतना ही वो और ज़्यादा अच्छा निखर कर आएगा. ये जितना कलरफुल होगा उतना ज़्यादा अच्छा लुक आएगा उसका. आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ क्रोशिया वर्क करवाया है. नॉर्मली काफ़ी लोग सिर्फ एक ही तरह का करवाते हैं नीचे की तरफ, पर मैंने दोनों तरफ करवाया है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होगा बट इट्स वर्थ द मनी. इस झेमी में दो किस्म का छेड़ा आता है, एक छोटा होता है और एक लंबा होता है. ये एक है और एक आपको दूसरा मैं दिखाती हूँ. ये आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने झेमी कैसे पहनते बताई है, उसमें आपको समझ में आएगा. अब मैं आपको बताती हूँ जहाँ से हम झेमी को ड्रेप करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम एक पट्टा लगाते हैं. और वो उसी कलर का पट्टा होता है जिस कलर का कोर होता है हम तैयार करते हैं झेमी की. वो कुछ ऐसे दिखती है, बट वो आप जब झेमी ड्रेप करेंगे तो वो नज़र नहीं आती.
अब मैं आपको इसके बांध के बारे में बताती हूँ। ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं वो आप किसी भी टेलर से बनवा सकते हैं जिसे झेमी बनानी आती है। एंड ये प्लेट्स एक्चुअल में आपके हाइट और आपके वेस्ट साइज़ के हिसाब से बनाई जाती है, इसीलिए अगर आप किसी की झेमी पहन सकते हैं तो सिर्फ उसी की जो आपके सिमिलर बॉडी साइज़ में हो। ये जो आप इसमें रेड कलर की पट्टी देख रहे हैं वो एक्चुअल में वहाँ से और उसके ऊपर दोनों जगह पे प्लेट्स लेकर उसमें सिलाई दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह से बैलेंस कर सके और ये सारी की सारी प्लेट्स अंदर की तरफ चली जाती है। आप अगर झेमी को कैसे पहनते हैं मेरा वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वो हर एक चीज़ समझ में आएगी और काफ़ी रिलेटेबल लगेगा। जहाँ पर हमारे पीछे की प्लेट्स ख़त्म होती है वहीं पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। वहाँ से हमारा फ्रंट पल्लू अटैच किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह नज़र आता है। एंड इन केस आपका फ्यूचर में वेट बढ़ गया है या कम हो गया है तो आप इसे प्लेट्स फिर से रीअरेंज करवा सकते हैं। ये जो हमारा आगे का पल्लू है मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करवाया है मैंने वो एक्चुअली, क्योंकि वो फ्रंट लुक आता है और उसे काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जस्ट मैंने उसके नीचे ही लेसेस वगैरह उसके नीचे से स्टार्ट करवाई है। ये इतना जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवाया है, उससे काफ़ी अच्छा लुक और भी निखर कर आता है। आप देख सकते हैं इसमें और एक वैरायटी होती है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैं आपको लिए उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। जहाँ से हमारा फ्रंट पल्लू स्टार्ट होता है वहीं पे हम एक कपड़ा अटैच करते हैं अंदर की तरफ ताकि वो हेल्प करे अब झेमी अपनी जगह पे स्टेबल रह सके। उसके लिए आज आपको पता है लेसेस एंड एम्ब्रॉयडरी सबके वजह से इसमें काफ़ी वजन हो जाता है एंड ये ओपन पल्लू रहता है, इसीलिए हम इसमें अंदर की तरफ एक कपड़ा अटैच करते हैं एंड इट एक्चुअली डज वंडर्स। इसी ट्रिक की तरह मैं एक और ट्रिक बताती हूँ जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये जुगाड़ है। अब मैं आपके साथ वो अपना एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जहाँ से हमारा प्लेट स्टार्ट होता है, जहाँ से हम अपना ड्रेप स्टार्ट करेंगे वहीं पर मैंने अंदर की तरफ एक कपड़ा लगवाया है ताकि मैं वहाँ से एक नाड़ा पास कर सकूँ एंड ये सिर्फ वहीं तक होगा जहाँ पे हमारा एंड होगा प्लेट्स का। यही ट्रिक से हमारी झेमी वुड बी इन इट्स स्टेबल प्लेस, वो फिक्स रहेगी एंड वी कैन प्ले गरबा फ्रीली। हैप्पी नवरात्रि गाइस एंड आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। और मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है बताना कि किस तरह से आप अपनी झेमी को फोल्ड कर सकते हैं। आई कुड से दिस इज़ द बेस्ट वे टू फोल्ड योर झेमी, ये काफ़ी जगह बचाती है एंड काफ़ी नीटली ये रहती है एंड इसे आई वुड से कि बार बार धोने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप इसे धूप में रख देंगे तो ये काफ़ी हो जाता है, अगर आपको लगे कि आपको पसीना निकल रहा है या कुछ भी हो आप इसे रेगुलर वॉश ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ सनलाइट में आप इसे रख देंगे इट वुड गेट मोर देन इनाफ। आप रात को आए और आपको लग रहा है काफ़ी पसीना है तो जस्ट आप उसे सुखाने पे रख दें हवा में और सुबह होते ही आप उसे धूप दिखा दें एंड देन यू कैन फोल्ड इट। राधाने देशी छे कान जी, ओ परदेशी राधाने देशी छे कान जी, 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 पूछू छे काम आज भूली ने भान जी।
कब तारी साजे।